समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव मंगलवार को मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के घर में आयोजित निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मथुरा आए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेता रामशंकर कठेरिया ने सिपाही को थप्पड़ मारा वो ठीक नहीं है। मंत्री को एसएसपी से शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन थप्पड़ मारना खुद कानून हाथ में लेना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आई बीजेपी के 6 महीने पूरे हो जाने पर कहा कि अभी चाल चलन पर सवाल उठाना सही नहीं है, जनता समय आने पर निर्णय ले लेगी। वहीं राम मंदिर मुद्दे के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आते हैं तो राम मंदिर मुद्दा गर्मा जाता है। दूरिया तो कभी नहीं है, मेरा तो आना जाना रहता ही, और ये सब परिवार है, माथुर साहब का परिवार, और मैं गवर्नमेंट के उसमें आशीर्वाद देने आया। आजकल राम और कृष्ण में काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, सैफई में कृष्ण भगवान उनकी मूर्ति है और फिर अयोध्या में रामचंद्र जी बीजेपी मुद्दा बनाना है, क्या कहेंगे उसको? अगर कृष्ण और राम क्या मना है बीजेपी के राम मंदिर ले, लगता नहीं है चुनावों में हर बार राम मंदिर का मुद्दा और फिर उसको लेके कुछ भावनाएं ऐसी चले जाते हैं। ये तो देखिए बीजेपी का पता बना और कोई बनाता नहीं, मंत्री जी गुजरात में जैसे कांग्रेस और हार्दिक पटेल का जो गठजोड़ की बात चली थी, हार्दिक पटेल की सीडी सामने आई है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे आप? नहीं, हार्दिक पटेल की और राहुल की जो गठजोड़ की बात है, क्या वो कुछ असर करेगी गुजरात में? निकाय चुनावों को लेकर आपके अखिलेश ने कहा था मैं प्रचार नहीं करूंगा, सिंपल प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे? अभी तो अखिलेश को पूछना होगा, अखिलेश को पूछना, अभी मेरी तरफ से कोई नहीं।